हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एससी नॉलेज पर। आज 8 दिसंबर 2018 है। आज हम लेकर आए 3 दिसंबर 2018 से लेके 8 दिसंबर 2018 तक के करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंस क्वेश्चन बनेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर एक से। आज का क्वेश्चन नंबर एक है, हाल ही में SBI बैंक ने एनो के लिए ब्रांड अम्बेसडर किसको नियुक्त किया है? ऑप्शन ए हिमा दास, ऑप्शन बी स्वप्ना बर्मन, ऑप्शन सी मीराबाई चानू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वप्ना बर्मन। तो अब जान लेते हैं स्वप्ना बर्मन ये कौन है। स्वप्ना बर्मन वही भारतीय एथलीट खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी हाल ही में इंडोनेशिया में हुए 18वें एशियन गेम्स में भारतीय एथलीट स्वप्ना बर्मन ने गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। अब बात आती है SBI की। SBI की स्थापना कब हुई? वो हुई 1 जुलाई 1955 में। अब SBI का हेड क्वार्टर कहाँ है? वो है मुंबई में। अब SBI के बात आती है चेयरमैन कौन है? वो है रजनीश कुमार। अब बात आती है एनओ की। अब एनओ का फुल फॉर्म जान लेते हैं, यू ओनली नीड वन। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, एनओ का फुल फॉर्म है यू ओनली नीड वन। अब एनओ का पूरा नाम तो जान लिया है, अब इसके कार्य क्या हैं? ये डिजिटल तरीके से 5 मिनट में एक नया अकाउंट खोल सकते हैं SBI में, और FD के बदले में ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध है, और इस SBI एनओ ऐप से ऑनलाइन बुकिंग के साथ साथ खरीदारी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू है, किस देश ने 2019 में OPEC से अलग होने का निर्णय लिया है? वो लिया है कतर ने। अब बात आती है OPEC की। OPEC का फुल फॉर्म जान लेते हैं हम। OPEC का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी पेट्रोलियम उत्पादक के 14 सदस्य देश हैं, जिसमें से एक तो हमारा आ जाता है ईरान, इराक, कुवैत, और उधर पड़ता है सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, और कतर, नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, और सबसे ऊपर चले जाते हैं अल्जीरिया, अंगोला, इक्वाडोर। और इसमें से कतर ने अभी 2019 के लिए होने वाले OPEC सम्मेलन से बाहर होने के लिए निर्णय किया है। तो 2019 में OPEC से अलग होने का निर्णय कतर ने किया। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। और अब बात आती है OPEC का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो है वियना, ऑस्ट्रिया में। अब इसकी OPEC की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1960 में। तो इतनी बातें यहाँ से पता हमको ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फोर्ब्स इंडिया की सूची में तीसरी बार सबसे अधिक कमाई करने वाले भारतीय फिल्म अभिनेता कौन है? वो हैं सलमान खान। तो अभी हाल ही में फोर्ब्स इंडिया की सूची में तीसरी बार सबसे अधिक कमाई करने वाले भारतीय फिल्म अभिनेता सलमान खान 100 लोगों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहे। सलमान खान ने 1 अक्टूबर 2017 से लेकर 30 सितंबर 2018 के बीच अपनी फिल्मों में TV विज्ञापनों से 253 यानी 253.25 करोड़ रुपए की कमाई की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर है, देश के सबसे लंबे रेल सड़क पुल बोगी पुल का 25 दिसंबर को उद्घाटन कौन करेंगे? तो इसमें करेंगे ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री। 25 दिसंबर को देश के सबसे लंबे रेल सड़क पुल बोगी पुल का उद्घाटन करेंगे। इस पुल की लंबाई 4.94 किलोमीटर है, और यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर तथा दक्षिण तटों को जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फाइव है, हाल ही में बोलोन डी ओ आर 2018 का खिताब किसने जीता है? वो जीता है लुका मैड्रिक ने। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, लुका मैड्रिक ने यह खिताब पहली बार जीता है। इससे पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनाल मेसी लगातार 10 वर्षों तक इस खिताब पर अपना कब्जा जमाए हुए थे, और ये पहली बार एक ऐसा मौका मिला लुका मैड्रिक को जिसमें बोलोन डी ओ आर का खिताब यानी 2018 का खिताब लुका मैड्रिक ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, भारत के सबसे भारी उपग्रह GSAT-11 का सफल प्रक्षेपण कहाँ किया गया? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी कोटा। तो अभी हाल ही में भारत के सबसे भारी उपग्रह जीसैट 11 का सफल प्रक्षेपण फ्रेंच गुयाना से एरियन स्पेस रॉकेट की मदद से सफल प्रक्षेपण किया गया, और इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने जीसैट 11 का सफल प्रक्षेपण देश में ब्रॉडबैंड की सेवा को बेहतर बनाने में मदद करेगा। ये जो अभी हाल ही में भारत का सबसे भारी उपग्रह जीसैट 11 का सफल प्रक्षेपण हुआ है, तो इसमें देश में जो भी ब्रॉडबैंड की सेवाएं को बेहतर बनाने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, गांधी जाया डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? वो किया गया अबू धाबी में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अभी हाल ही में हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अबू धाबी यानी संयुक्त अरब अमीरात यूएई के समक्ष अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान के साथ संयुक्त रूप से अबू धाबी में महात्मा गांधी जायद डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया, और यूएई के संस्थापक शेख जायद और महात्मा गांधी के जीवन कार्यों तथा उनके विचारों को प्रदर्शित तथा मार्गदर्शन के लिए डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस भारतीय ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, गौतम गंभीर ने। अभी हाल ही में गौतम गंभीर ने भारत के क्रिकेट से सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, दक्षिण अफ्रीका में शीर्ष अभियोजक पद पर पहली बार किस महिला की नियुक्ति की गई है? तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, समीला बटुई। दक्षिण अफ्रीका में शीर्ष अभियोजक पद पर पहली बार महिला की नियुक्ति वकील समीला बटुई की गई, और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने यह नियुक्ति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन यानी सीएमए का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, महेंद्र सिंगी को। डालमिया सीमेंट समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीओई महेंद्र सिंगी को सीएमए का यानी सीमेंट मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, ओडिशा में कौशल विकास के लिए एडीबी ने कितने करोड़ रुपए का कर्ज देगा? यानी ओडिशा में कौशल विकास के लिए एडीबी 8.50 करोड़ रुपए का कर्ज देगा, यानी इसके लिए भुवनेश्वर में अत्याधुनिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी, आज से लगभग 51 वर्ष पहले। और एडीबी का फुल फॉर्म जान लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में यस बैंक ने किसको अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया है? वो किया है टीएस बिजन को। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाल ही में यस बैंक ने अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया है टीएस बिजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नया वित्त सचिव किसको नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, इसमें अजय नारायण झा को हाल ही में नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में स्पेस एक्स ने एक साथ कितने उपग्रह लॉन्च किए हैं? वो किए हैं 64 उपग्रह। अभी हाल ही में स्पेस एक्स ने एक साथ 64 उपग्रह यानी फाल्कन 9 की मदद से यानी फाल्कन 9 की मदद से 64 उपग्रह एक साथ प्रक्षेपित किए, और अमेरिका के लिए एक नया रिकॉर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार पेटा ने हीरो 2 एनिमल्स अवार्ड से किसको पुरस्कृत किया है? वो किया है इमरान हुसैन को। और बात करते हैं, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री इमरान हुसैन को हीरो 2 एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया है वो पशु अधिकार पीटा ने।
अब बात आती है दिल्ली के, दिल्ली के सीएम कौन है, वो अरविंद केजरीवाल, और वहाँ के उपराज्यपाल कौन है, अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र ने किसको प्रबंध निदेशक सीओ नियुक्त किया है, वो किया है ए एस राजीव को, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने प्रबंध निदेशक सीओ नियुक्त किया है एस एस राजीव को, ए एस राजीव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ हुआ, ऑप्शन ए लीबिया, ऑप्शन बी पोलैंड, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी मॉस्को, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा पोलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया गया, तो ऑप्शन ए 1 दिसंबर, ऑप्शन बी सॉरी इसमें ऑप्शन तो नहीं दिया है, लेकिन ऑप्शन 3 दिसंबर को इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया, वो मनाया गया 1 दिसंबर को, अभी हाल ही में विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया, वो मनाया गया 2 दिसंबर को, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, यानी 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया, 2 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो, मैंने लास्ट के वीडियो में 1 से 2 दिसंबर की करंट अफेयर्स में एक वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, वो नियुक्त किया गया सुनील अरोड़ा को, इसमें राइट आंसर हो जाएगा सुनील अरोड़ा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। और क्वेश्चन फॉर यू आज के लिए क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। आज का क्वेश्चन है, कोप इंडिया 2019 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों की वायु सेनाओं के बीच शुरू होगा, ऑप्शन ए भारत और अमेरिका, ऑप्शन बी भारत और चीन, ऑप्शन सी भारत और नेपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो इसमें राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देकर बता सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।